हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मुझसे सीखेंगे अमोनियम एसीटेट से एसिटामाइड कैसे फाइंड करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बट कैसे सॉल्व करनी है मैं पूरा बताऊंगा। क्या तरीके होते हैं, कितना आसान तरीका है, पूरा वीडियो देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे। ये अपने आप से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, पर आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा देखने के बाद, क्योंकि रिएक्शन बहुत पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। अमोनियम एसीटेट का पहले लिखेंगे एसीटेट का CH3COO, अमोनियम का मीन्स हुआ NH4। ठीक, देन किस में चेंज करना है एस्टामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO NH2 में कन्वर्ट करना है। पूरा ओवरऑल क्या करना है यहाँ पर, ये जो देखा है ना आपने, ये इसको हटाना है और यहाँ पर इसको लाना है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे क्या होगा कि ये कंप्लीट हो जाए, वो भी बेहद आसान तरीके से। देखिए सबसे पहली बात तो समझने की कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला बना कैसे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि जब मैं क्लास में बच्चे पास जाता हूँ, कॉपी देखता हूँ, तो क्या करते हैं बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसको समझना जरूरी बना कैसे। इसका जो फॉर्मूला बना हुआ है तो ये होता है एसीटेट, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस की 1 होती है। अमोनियम का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस का 1 होता है। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये फॉर्मूला फाइंड हो गया। देखिए आप कुछ लोग सोच रहे हैं ये फालतू बता रहे हैं, मैं फालतू नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ जब प्रैक्टिकल में लेते हो सकता है कि आपको आता हो या किसी बच्चों को आता हो, इसलिए मैंने इसको बताना ज़्यादा लगा कि हाँ बताना चाहिए। इसके बाद देखिए सोडियम एसीटेट से बनाना है एस्टामाइड, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होगा, यही आपका आएगा, देन H2O फाइंड हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सोडियम एसीटेट से एस्टामाइड फाइंड हो जाता है। अब ये तो आपने सीखा कितना आसान तरीका, बट उसके लिए बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको हीट करना है और क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, जैसे कि आप लोग देखते होंगे या जो पुराने व्यूवर्स हैं जो बार बार आते हैं मेरे चैनल में देखने आते हैं कि क्या असर ने डाला, वो जो सब्सक्राइबर है तो वो जानते हैं कि एक रिएक्शन के साथ में एक और सॉर्स सिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको रिएक्शन करना सिखा के ही रहूँगा। अब क्वेश्चन अगर होता कि एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड फाइंड कीजिए, तब क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए एसिटिक अम्ल लिखिए CH3COOH को कन्वर्ट किस में करेंगे, अब ध्यान दीजिए किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें करेंगे, यानी कि अमोनियम एसीटेट कैसे बनाएंगे, अमोनियम से रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा CH3COONH4 बन जाए। तो ये बन गया हमारा अमोनियम एसीटेट, ये होता है हमारा अम्लीय, ये होता है क्षारीय, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लवड़ बना देंगे, बन गया। देन अब जो आया है इसको करेंगे हीट, तो क्या आएगा इसको, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ, CH3COONH4 जो आया है इसको हीट कर दीजिए, क्या आएगा CH3CONH2+H2, ये फाइंड हो गया। देखा, एक तीर से 2 निशाने हम लोगों ने मारे। क्वेश्चन क्या था, अमोनियम एसीटेट से एस्टामाइड, देन मैंने क्या दिया एसिटिक अम्ल से एस्टामाइड बनाई है। मेरा पर्पज क्या है कि मैं आपको आसान सिखाऊं, उसके बाद टफ की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। बहुत जल्दी हम लोग 2-3 स्टेप वाली में आने वाले हैं, तो कम से कम ध्यान रखिए जितनी पिछली वीडियोज हैं जाइए उनके जम के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि इंटर के एग्जामिनेशन में भर भर के रिएक्शन आती हैं, समझ लीजिए जब बच्चे को रिएक्शन दिखती है सोचता है कि बहुत पछताता है कि क्यों नहीं मैंने रिएक्शन किए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस जमकर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, बेल रिपोर्ट कीजिए, दोनों आप काम कर चुके होंगे, और जमकर प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।